सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 9 बच्चे कल असी 7.2 दे जिहड़े क्वेश्चन सी आपां 4 क्वेश्चन कर ले सी अज क्वेश्चन नंबर 5 करांगे पेज नंबर 124 दे उत्ते देखो क्वेश्चन तुहाडे सामने आ ए बी सी एंड डी बी सी तुहानूं दो ट्राइंगल दिखदे पए आ देखो ए ट्राइंगल एक उपर वाला एक नीचे वाला ए दोनों ट्राइंगल जिहड़े ने आइसोस्केलस ट्राइंगल ने ऑन द सेम बेस देखो सेम बेस की इहनां दा बी सी बी सी इज़ द सेम बेस तो असी शो करना है कि ए बी डी इट मीनस ए वाला एंगल और ए सी डी इट मीनस ए वाला एंगल ए दोनों एंगल ईक्ल होंगे असी यह चीज़ प्रूव करनी है बहुत ही ईजी है बच्चे देखो किस तरह देखो अगर ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है इट मीनस ए साइड ए बी साइड और ए सी साइड आपस ईक्ल ने ये ओपोजिट एंगल ए वाला ये ओपोजिट एंगल ए वाला ए दोनों एंगल ईक्ल हो गए ठीक है ना यह एंगल किन्ने होंगे ईक्ल होंगे असी लेट अस सपोज कि यह एंगल है साढ़े को बोल दो इस एंगल में बोल दो एंगल एक्स जे यह एंगल एक्स है तो यह भी एंगल की होएगा एक्स ही होएगा ठीक है दूसरे पासे अगर असी इस ट्राइंगल की गल करिए इस ट्राइंगल यह साइड जी बी डी है वह डी सी दे ईक्ल है ठीक है इट मीनस दोनों साइडा ईक्ल ने इट मीनस ये ओपोजिट एंगल ए वाला और ये ओपोजिट एंगल ए वाला ए आपस ईक्ल होंगे दोनों आपस ईक्ल होंगे इट मीनस ए एंगल वाए है तो यह भी एंगल वाए होना चाहिए ठीक है बच्चे सो टोटल कंप्लीट एंगल जोड़ा बी है वह की बन गया वह बन गया एक्स प्लस वाई ठीक है सो एंगल सी की बन गया टोटल एंगल ए बन गया एक्स प्लस वाई ठीक है सो कि इतने भी एक्स प्लस वाई इतने भी एक्स प्लस वाई इट मीनस एंगल बी इज ईक्ल टू एंगल सी बस यही चीज़ आप प्रूव करनी सी एंगल ए बी डी एंगल कि ए बी डी और एंगल की है ए सी डी एंगल है ए सी डी ईक्ल है असी यही चीज़ प्रूव करनी सी ठीक है ऐ सी बच्चे तुहाडा क्वेश्चन नंबर 5 सो नैक्सट क्वेश्चन बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है साढ़े को एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच ए बी इज ईक्ल टू इन विच ए बी इज ईक्ल टू ए सी इट मीनस असी इस ट्राइंगल की गल कर रहे हैं ए बी सी ट्राइंगल है ए बी साइड किसी ईक्ल है ए सी दे ईक्ल है ठीक है ठीक है अगर यह गल हैगी है इट मीनस ए दोनों साइडा बराबर है इट मीनस ये ओपोजिट एंगल ए वाला इन आप मान लें एक्स तो ये ओपोजिट एंगल ए वाला यह भी साढ़े को आ गया एक्स ठीक है बच्चे उस तो बाद की कह रहा है साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी जी साइड ए बी है जो बी ए है साइड इनू आप प्रोड्यूस किया कितों तक डी तक प्रोड्यूस किया ठीक है सच दैट ए डी इज ईक्ल टू ए बी इट मीनस इन उन्ना ही प्रोड्यूस किया ए तो डी तक उन्ना ही प्रोड्यूस किया जिन्ना बी टू ए तक है ठीक है ना इट मीनस आ डिस्टेंस और आ वाला डिस्टेंस ईक्ल है इतने मैं साइन लगा रहा ए वाली साइड आपस ईक्ल है तो ऑटोमैटिकली साइड ये भी ईक्ल होगी ठीक है ना क्योंकि यह आपस ईक्ल सी और ये ईक्ल है ठीक है सो इट मीनस आ ट्राइंगल बन गया ना अपने को ट्राइंगल ए सी डी ए भी कि ट्राइंगल बन गया ए भी आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया ठीक है अगर यह आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया बच्चे ध्यान दियो ये ओपोजिट एंगल है ए वाला और ये ओपोजिट एंगल है ए वाला ठीक है वह भी की होएगा फिर एक्स होएगा ठीक है ना क्योंकि साइडा की ने साइडा सारे बराबर ने सो एंगल भी की होंगे ईक्ल होंगे ठीक है इनू तुसी ठीक है बच्चे सो तुसी इत्थे यह गल कह रहे हो कि इनू एक्स ना लैके चलो इनू इत्थे वाई ले लो ठीक है डबल क्योंकि ट्राइंगल अपने को डिफरेंट है ना ट्राइंगल अपने को डिफरेंट है सो जरूरी नहीं है कि वो एंगल एक्स एक्स ही लैने आप ठीक है ना सो यह चीज़ का थोड़ा ध्यान देखो दोबारा कि इनू एंगल में आप कह दें वाए इधर वाए क्योंकि यह साइडा की ने आपस ईक्ल ने इट मीनस यह एंगल भी की होगी आपस ईक्ल होंगे सो इस ट्राइंगल के ईक्ल एंगल कि एक्स एक्स और इस ट्राइंगल के ईक्ल एंगल कि वाए वाए ठीक है हम बच्चे ध्यान दियो बच्चे हूँ तुम दसो अगर आप पूरा ट्राइंगल कंसीडर करिए ट्राइंगल ए बी सी सॉरी डी बी सी ए अगर आप पूरा ट्राइंगल कंसीडर करिए तो वी नो दैट जिहड़ा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यह सारे एंगल का सम की बनना चाहिए यह सारे एंगल का सम की मन कि बनना चाहिए एंगल ए डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ठीक है टोटल एंगल कि सम 180 डिग्री ठीक है सो एंगल डी की जगह की है वाई मैं इतने लिख लिया वाई ठीक है एंगल बी की जगह की गया एक्स एंगल बी की जगह क्या आ गया एक्स
एंगल सी की जगह की गया, एंगल सी की जगह गया एक्स एंड वाई है ना, तो यह आ गया एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई हो गया ना, दोनों जोड़ के बनेगा एंगल सी, तो आ गया 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, हूँ देखो उन्हें आप प्रूफ की करना है, शो दैट जो ट्राइंगल बी सी डी है ना वो राइट एंगल है, इट मीनस आह वाला एंगल जो यह वाला ट्राइंगल एंगल यह साढ़े को 90 डिग्री, ऐसी यह चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, 90 डिग्री का प्रूफ करना, किस तरह प्रूफ करना है? चलो ठीक है, वाई और वाई कितना बन गया बच्चे 2y, एक्स और एक्स कितना बन गया बच्चे 2x, इधर की गया 180 डिग्री, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बन गया एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स लिख लो 180 डिग्री। ठीक है, 2 उधर चला गया एक्स प्लस वाई, उन्होंने कट्टोगे इधर जाके कितना बनेगा 90 डिग्री। सो दिस इज़ वी प्रूफ्ड, दिस इज़ हाउ वी प्रूव्ड कि x प्लस वाई की है 90 डिग्री, x प्लस वाई की है 90 डिग्री, तो x प्लस वाई एंगल केड़ा गाड़ा सी, सो एंगल सी इज 90 डिग्री राइट एंगल, यही चीज़ असी प्रूव करनी है। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन ने, बहुत ही ईजी क्वेश्चन ने, बस थोड़ा जहा माइंड लगाओ तो सोल्यूशन तुहाडे सामने आ। हाँ जी बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 7 दे विच की कह रहा, कहिंदा ए बी इज इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज़ 90 डिग्री एंड साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड द अदर एंगल बी एंड सी। चलो डायग्राम बनाने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल क्या उन्हें इसका क्या, राइट एंगल ट्राइंगल बनावेंगे कुछ इस तरह। ठीक है, सो एंगल ए तुहाडे कोल जिहड़ा है वो 90 डिग्री है ना, इनू एंगल नूं ले लो सी और इनू ले लो बी। दूसरी उन्हें गल कही है कि जी ए सी साइड है वो ए बी दे इक्वल है। बच्चे अगर यह दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, ओबवियस इन्हों का ओपोजिट एंगल ये ओपोजिट ए वाला एंगल और ये ओपोजिट ए वाला एंगल इक्वल होंगे, इस करके उन्होंने दोनों की ले लिया एक्स एक्स ले लिया सी। सो आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि उन्हें पूछे एंगल बी तो एंगल सी कितना होएगा। ठीक है ना, बस वही एंगल आप फाइंड करने हैं। सब तो पहले इन्हों दो तिना का सम कितना होएगा बच्चे, तिना का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन्हें तिना एंगल का सम कितना होएगा 180 डिग्री होएगा। एंगल ए कितना है, यह थानू दिता गिवन 90 डिग्री, एंगल बी कितना लिया असी एक्स डिग्री और एंगल सी कितना एक्स डिग्री, यह कितना आ गया 180 डिग्री। 90 उधर जाके माइनस हो गया, इतने एक्स से एक्स की बन गया 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 इधर डिवाइड हो गया तो कितना आ गया बच्चे 45 डिग्री। ठीक है, इट मीनस ए भी एक्स एंगल 45 डिग्री है और ए भी एंगल 45 डिग्री है। सो यही तो पता करना से असी देखो किन्ने ईजी क्वेश्चन ने। ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे की कह रहा, कहता शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल कि बच्चे, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिद सारिया साइड्स आप कोई ट्राइंगल ले लें ए बी सी, यदि सारिया साइड्स आपस में इक्वल होंगे ने। ठीक है, इट मीनस अगर यह दो साइड्स आपस इक्वल है, ये ओपोजिट एंगल की आएगा ए वाला, इनमें एक्स ले लिया और ये ओपोजिट एंगल कि आ गया ए वाला, इनमें आप एक्स ले लिया। ठीक है, हम देखो यह भी दोनों साइड आपस इक्वल ने, इट मीनस ये ओपोजिट एंगल ए वाला यह भी की आएगा एक्स आएगा, क्यों क्यों आएगा एक्स, क्योंकि इधर एक्स है। ठीक है, क्योंकि यह दोनों साइडा भी आपस इक्वल ने। सो हूँ असी देखना कि सारे जोड़े एंगल है वो 60 डिग्री आएगा, ओबवियस है 60 डिग्री ही आएगा, क्यों आएगा क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी या तिना रसम कि आएगा 180 डिग्री। सो एंगल ए कि एक्स डिग्री, एंगल बी कि एक्स डिग्री, एंगल सी कि एक्स डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। ठीक है, सो आ गया 3x, एक्स 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 कि बने 3x 180 डिग्री। ठीक है, सो 3 इधर डिवाइड हो गया कि बने 60 डिग्री। सो यह भी एंगल कि आ गया 60 डिग्री, यह भी कि आ गया 60 डिग्री, यह भी कि आ गया 60 डिग्री। सो बच्चे ये ही अज 7.2 एक्सरसाइज असी कंप्लीट कर ली है। सो बहुत ही आसान है, ध्यान दे नाल करो, तैयारी करो। थैंक यू वेरी मच।